केंद्रीय मंत्री व बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद पटेल ने कार्यालय का शुभारंभ करते हुए विधानसभा चुनाव का संभाला मोर्चा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने चुनाव रण में मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने अपने गृह जिला पहुंचकर अपने चुनाव कार्यालय का बाकायदा शुभारंभ भी कर दिया है। इस दौरान उनका समर्थकों व पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। प्रहलाद पटेल यहाँ मीडिया से मुखातिब हुए और अपनी उम्मीदवारी पर खुशी जताते हुए कहा कि अपनी उम्मीदवारी पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि अपनी माटी पर आकर सेवा करने का अलग ही आनंद है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर कटाक्ष किया। पहले तो उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि वो हम लोगों को बड़ा नेता मानने लगे, नहीं तो हम लोग तो छोटे भैया कहा करते थे। वो उनकी भाषा जितनी अश्लील है ये उनकी बौखलाहट का परिणाम है। पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जब निकाली थी कांग्रेस मौन साध गई थी, दूसरी सूची निकलते ही वो बौखला गई है। मैं उनसे कहूंगा लोकतंत्र है, उनके पास अगर लोग हों तो वो लड़ा दे, तो सूची निकाले, तीसरी आने का इंतजार करें वो तो अच्छा होगा। मुझे लगता है कि पिछली बार जो चूक हो गई थी मध्य प्रदेश की जनता से, शिवराज जी जैसा मेहनती आदमी और इस सरकार ने 18 वर्षों में सिवाय गरीब के लिए जरूरतमंद के लिए बिना मांगे देने वाली सरकारें, मोदी जी का नेतृत्व और शिवराज जी का जो काम करने का तरीका था, विकास का जो मॉडल है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का मॉडल है। इसलिए उस विकास पर मध्य प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जो सामर्थ्य है और कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है, जिसको हम देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं, विश्वास के विजय का विश्वास का कारण ये है। रणनीति देखिए, आप एक बहुत करीब से मिला है, आपका आकलन भी बहुत खास रहता है।